सिवनी जिले की तहसील घनसोर अंतर्गत बमनी गांव में पिछले दिनों पीडीएस के राशन से भरा ट्रक ग्रामीणों ने पकड़ा था। ग्रामीणों का आरोप है कि वाहन पकड़ाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। साथ ही सेल्समैन द्वारा कई महीनों से अनाज का वितरण भी नहीं किया गया। इस प्रकार के आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच कर दोषियों को तत्काल जेल में डालने की अपील की। बमनी में सोसाइटी में जो हेरा फेरी हुई है उसके लिए सारे ग्रामवासियों द्वारा मतलब सोसाइटी में जो हेरा फेरी की जा रही थी उस पर उचित कार्रवाई नहीं हुई और कार्रवाई से असंतुष्ट हैं ग्रामीण, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने आए हैं कि इस पर उच्च स्तरीय जांच करा के दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। यदि दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती है तो बृहद जन आंदोलन किया जाएगा। इसकी सूचना कलेक्टर महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय सभी से पत्र के माध्यम से आग्रह किया गया है। माल लोड होकर जा रही थी और ग्रामीण जन उनको पकड़ लिए। पकड़ने के बाद में जिस तरीके से पुलिस को फोन किया गया, पुलिस आई, पुलिस आने के बाद गाड़ी को छोड़ दिया गया और गाड़ी को छोड़ने के बाद पुलिस 31 कट्टी जो बोरी के चावल हैं, चावल की जो बोरियां हैं उनको थाने में ले जा करके स्टोर कर दी। उसके बाद अपराधी आज भी घूम रहा है, गाड़ी आज भी फ्री है, ना गाड़ी पर कोई कार्रवाई की गई ना अपराधी पर कोई कार्रवाई की गई। छिंदवाड़ा मेयर